शिमला जिला में बर्फबारी से निपटने की तैयारी में जिला प्रशासन जुड़ गया है। शुक्रवार को उपायुक्त आदित्य नेगी शिमला में बचत भवन में विंटर सीजन और बर्फबारी से निपटने की तैयारी के संदर्भ में बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और जिला में बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए शिमला शहर को 5 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें सेक्टर 1 में संजौली, ढली, कुफरी, गलू, नालदेहरा, मशोबरा, बलदेहा, भटाकुफर, मल्याणा व महली शामिल है, जिसके प्रभारी उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण निशांत ठाकुर होंगे। सेक्टर 2 में ढली संजौली बाईपास, IGMC, लक्कड़ बाजार, वित्री टनल, टूटीकंडी क्रॉसिंग, छोटा शिमला, नवबहार, संजौली चौक, भराड़ी, लॉन्गवुड, कैथो, चौड़ा मैदान, AG ऑफिस अनाडेल व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शामिल है, जिसके प्रभारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था अजीत भारद्वाज होंगे। उन्होंने बताया कि सेक्टर 3 में टूटीकंडी बाईपास से शोघी, चक्कर, बालूगंज, टूटूक, जतोक, नाभा, फागली, खलीनी, BCS, न्यू शिमला, विकास नगर, पंथा घाटी व महली शामिल हैं, जिसके प्रभारी उपमंडलाधिकारी शिमला शहरी भानु गुप्ता होंगे। सेक्टर 4 में DC ऑफिस, ओकओवर, राजभवन, बैनमोर, US क्लब, रिज, जोधा निवास, होली लॉज, जाखू, रिच माउंट, रामचंद्र चौक, कमला नेहरू अस्पताल व उच्च न्यायालय शामिल है, जिसकी प्रभारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा होंगी। सेक्टर 5 में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, छोटा शिमला, ब्रॉकहॉस्ट, कसुमपट्टी, पंथा घाटी शामिल है, जिसके प्रभारी अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा होंगे। जी सर, बर्फबारी को लेकर एक बैठक की गई है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? जैसा कि आपको मालूम है कि स्नो सीजन आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग जो है जी की रिव्यू मीटिंग यहाँ पे रखी थी, जिसमें हमारे सभी डिपार्टमेंट्स में सम्मिलित हुए थे, हमारे PWD, नेशनल हाईवे, जल शक्ति विभाग, SGPNL, MC शिमला, हमारे SDMs और बाकी भी जो लाइन डिपार्टमेंट है, सारे यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। सभी को हमने ये डिपार्टमेंट डायरेक्शंस दिए कि वो एक अपनी जो मेन मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, मशीन्स की अवेलेबिलिटी, वो चेक कर ले और वो ये इंश्योर करे कि बर्फबारी के टाइम जो है हमारी रोड्स जो है वो इमीडिएटली क्लियर हो जाएँ, हमारी बिजली की सप्लाई है वो बाधित ना हो, और इसके अलावा हमारा जो पानी की सप्लाई वगैरह है कहीं अफेक्ट होती है तो वो भी तुरंत जो है वो उसको रिस्टोर किया जाए। तो सभी डिपार्टमेंट्स को यही कहा गया है कि वो अपनी तैयारियां रखें और इंश्योर करें कि इस बार बर्फबारी के सीजन में लोगों को कोई दिक्कत ना आए। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग TV।